वैलेंटाइन डे पर मस्ती करवा रहा डीजे वाले बाबू। सुप्रीम कोर्ट ने शादी, सामाजिक या अन्य समारोह में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जानकर अनजान बने हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 में, जहां शनिवार को वैलेंटाइन डे पर युवाओं को मस्ती करा रहा था। इतने में ही पुलिस पहुंची और डीजे को जब्त कर लिया। डीजे के उपयोग से होता है अत्यंत शोरगुल। सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण के लिए आदेश दे रखे हैं। आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले परेशानियों, असुविधा, हानि और जोखिम से बचाने के लिए यह निर्णय किया गया है। सार्वजनिक, धार्मिक व अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांत बनाए रखने के लिए डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की अनुमति से अब डीजे का उपयोग पुलिस की अनुमति से रात 10 बजे तक ही हो पाएगा। शादी समारोह में डीजे का अधिक उपयोग। पुलिस कमिश्नर का यह आदेश कमिश्नरेट में आने वाली सभी क्षेत्रों के लिए लागू होगा। जिले में अधिकांश डीजे का उपयोग शादी समारोह में होता है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डीजे बजाए जाते हैं। इससे शोरगुल होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार झगड़े की स्थिति हो जाती है। कई गांवों में ग्रामीणों ने डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान।